गोंडा गांव में एक कॉम्प्लेक्स में लगे भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया पर काबू। कॉम्प्लेक्स से 15 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। को प्रेजेंटेड बाय लक्स इन्फर्नो अंदर सर्दी छूमंतर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 8 में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। मिशन 2023 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। सिवनी में युवा मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ है। आज सीएम शिवराज और बीडी शर्मा शुभारंभ करेंगे। 5 और 6 नवम्बर को सिवनी में प्रशिक्षण होगा। तो बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल ये दौरा देखने को मिल रहा है। मिशन 2023 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जुटी हुई नजर आ रही है। खासतौर पर युवाओं पर फोकस है। सिवनी में युवा मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ करेंगे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। 5 और 6 नवंबर को सिवनी में प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश भर से युवा मोर्चा के करीब 250 पदाधिकारी शामिल होंगे। पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री शामिल हैं। प्रशिक्षण वर्ग में 11 अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षणार्थियों को वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो युवा मोर्चा पर फोकस नजर आ रहा है। युवाओं पर विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है और ऐसे में आज प्रशिक्षण वर्ग युवा मोर्चा का, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से किया जाएगा। सिवनी में ये प्रशिक्षण लगाया जा रहा है, जहां पर जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, वो ट्रेन कर सकें, वो बता सके अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से निर्वहन करना है, पार्टी को कैसे बूथ लेवल तक मजबूत करना है और जो भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं उसे कैसे बखूबी निभाना है। सिवनी में युवा मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग का जो शुभारंभ किया जाएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से 5 और 6 नवम्बर को सिवनी में ये प्रशिक्षण जो शिविर है ये चलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये युवाओं पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस नजर आ रहा है, ये प्रशिक्षण वर्ग, प्रशिक्षण शिविर जो चलने जा रहा है 2 दिन का, कितना महत्वपूर्ण समझे आने वाले इलेक्शन के लिहाज से? देखिए, मध्यप्रदेश में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, इस समय दोनों ही राजनीतिक दल जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि 2023 में जो मध्यप्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है उन चुनाव में जीत हासिल की जा सके। और इसी के चलते जहां एक और हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। आज की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सिवनी पहुंच रहे हैं। सिवनी में वो युवा मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ करेंगे। देखिए, प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ करने का उद्देश्य यही रहेगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव के अंदर युवा वर्ग, युवाओं को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल तैयार करे। और देखिए, आज और कल यानी कि 5 और 6 नवम्बर को सिवनी में 2 दिन तक का जो प्रशिक्षण वर्ग है इसका शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पर युवाओं को एक ओजस्वी वक्ता के रूप में वो यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुधर शर्मा वो भी पहुंचने वाले हैं, जिन्हें युवा प्रदेश अध्यक्ष कहा जाता है। और देखिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार है जो कि युवा मोर्चा के, उनके द्वारा ही बताया गया है कि प्रदेश भर से लगभग 250 से ज्यादा जो पदाधिकारी है युवा मोर्चा के वो इस पूरे प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं। इन प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, प्रशिक्षण वर्ग में 11 अलग अलग विषयों पर इन तमाम लोगों को, प्रशिक्षणार्थियों को, वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। लेकिन देखा जाए यही युवा भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या नुकसान के लिए है या फिर क्या ये फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं? नुकसान इसलिए क्योंकि एक बड़ा फैक्टर जिसे विपक्ष लगातार उठाता रहा वो ये कि रोजगार, बेरोजगारी को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधता रहा है। तो दूसरी तरफ अब युवाओं को साधने का प्रयास, युवाओं को सशक्त करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी हुंकार भरती है। तो ये फैक्टर युवा वर्ग आगे आने वाले दिनों के लिहाज से, दोनों ही पार्टियों के लिहाज से अगर इसे देखें तो कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है?
बिल्कुल देखिए, एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है युवा वर्ग, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि किस प्रकार से अभी हाल ही में बेरोजगारी की जो समस्या थी उसको लेकर युवाओं का एक प्रदर्शन हुआ था, और ऐसे में अब युवा वर्ग पर जब बीजेपी फोकस कर रही है तो कहीं ना कहीं उन युवाओं को समझाने का प्रयास भी किया जाएगा जो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज चल रहे हैं। सरकार के द्वारा रोजगार के क्या अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, किस प्रकार से वैकेंसी भी अभी हाल ही में हमने देखा है कि निकाली गई है, तमाम चीजें हैं वो उस पर फोकस रहने वाली है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि 2023 की चुनावी तैयारी के लिए अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और हर वर्ग पर अपना फोकस कर रही है, खासतौर पर युवाओं को रिझाने के लिए अब एक अलग तरीके की जो तैयारी है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है, ताकि युवा वर्ग पूरी तरीके से समझ सके कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उनके साथ है, क्योंकि हाल ही में देखा गया कि तमाम जो जॉब्स के अवसर है वो निकाले गए हैं, इसके साथ ही लोन लेने सहित अपना रोजगार